हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम 18 और 19 मार्च दोनों की जो न्यूज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश है वो करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले आर्टिकल है वो कौन सा है। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो है इनटेक के बारे में। तो देखते हैं कि क्या है इनटेक। इनटेक है वो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो इस बॉडी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कंटेक्स तो कुछ खास है वो नहीं। तो देखो, इनटेक है यह मेनली एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यह एक एनजीओ है जो कि 1984 में बनाया गया था। किसके तहत यह बनाया गया था? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक एनजीओ है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बनाया गया था। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। तो मेनली है कल्चर जो मिनिस्ट्री आती है उसके अंतर्गत एक चीज़ को रेगुलेट वगैरह है वो किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। इसके बाद में जो अगली बात वो आती है कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो इसका इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन ने इसे स्पेशल कम्युनिटी स्टेटस है वो दिया था 2007 में। अब क्या है भाई ये स्पेशल कम्युनिटी स्टेटस? इसमें ये होता है कि भाई इसने, मतलब ये जो इनटेक बॉडी है इसने काफ़ी अच्छा काम किया है लोगों को हेरिटेज के बारे में अवेयर करवाने के लिए, कंजर्वेशन के बारे में। तो काफ़ी सारे अच्छे स्टेप हैं वो उठाए, तो इसके लिए इसको कम्युनिटी स्टेटस वो दिया गया है। किसके द्वारा? उस टाइम पर 2007 में हुई थी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की जो मीटिंग हुई, समिट हुआ था, उसके दौरान इसे कम्युनिटी स्टेटस का दर्जा है वो दिया गया। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन ने इनटेक को 2007 में कम्युनिटी स्टेटस है वो दिया था। काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि भाई जो भी हमारे देश में हेरिटेज साइट हैं उनके लिए अवेयरनेस फैलाना, ताकि लोग उसके बारे में, उसकी धरोहर को संभाल कर रखें। इसके साथ ही उसका कंजर्वेशन है उस पर भी फोकस करना, क्योंकि देखो आज के टाइम पर जो हमारी धरोहर हैं वो लगातार एक तरीके से खत्म होती जा रही हैं, तो उनको कंजर्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सारे काम यहाँ के इसके द्वारा किए जाते हैं, वो किए जाते हैं एक एनजीओ जिसका नाम है INTACS, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 1820 स्कीम के बारे में। एक्चुअली ये लास्ट वीक काफ़ी न्यूज़ में था, तो बट एक बार हम इसको देख लेते हैं। मे बी यूपीएससी खैर इतना पूछने के तो चांसेस कम है, बट हम देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी देखो न्यूज़ में रहता है, तो हम क्यों छोटी सी चीज़ को भी छोड़ें, क्या पता यूपीएससी पूछ भी ले। तो 1820 ये स्कीम है, ये मैंने एक तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है गोल्ड से रिलेटेड यह स्कीम है। अब देखो था क्या, 2013 में देखो गवर्नमेंट का जो राजकोष घटा था, फिजिकल डेफिसिट था, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था। और आपको पता है कि हमारे देश में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनको, जो पेट्रोल है वो ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है, इसीलिए उसके पेट्रोल के साथ साथ देखा जाता है गोल्ड भी सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो इंडिया, मतलब इंडिया है वो मैक्सिमली गोल्ड है वो इंपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की माइनिंग वगैरह इतनी नहीं है जितनी डिमांड होती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में गोल्ड की एक तो मतलब धर्म वगैरह में काफ़ी यूज़ करता है, इसके साथ ही मंदिरों में, इसके साथ लोग इसको क्या है काफ़ी सेफ समझते हैं कि भाई सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो तो हमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मतलब लोग क्या है कि सोने को इकट्ठा करने की काफ़ी एक तरीके से होल्ड है वो रखते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट इस स्कीम को लेके आई थी। इस स्कीम में ये किया गया था कि भाई हमारे देश का जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है ना सोने को ज़्यादा इंपोर्ट करने से, इसके ऊपर लगाम है वो लगाई जा सके। तो इस स्कीम में ये प्रावधान किया गया था कि जैसे कोई भी एक इंसान है या कोई भी एक पर्सन है, अगर उसने 10 किलो सोना इंपोर्ट किया बाहर से, तो उस 10 किलो सोने में से उसको 8 किलो सोना है वो तो इंडिया के मार्केट में खपा देना होगा। इसके अलावा जो 2 किलो सोना बचा, वो 2 किलो सोना उसको वापस इंडिया के अंदर उसको एक तरीके से रिसाइकल करके या फिर उसमें वैल्यूएशन करके वापस दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना होगा। मतलब जो आपने जितना सोना मंगाया है उसका 80% तो आप इंडिया में यूज़ कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, 20% है वो आपको वापस एक्सपोर्ट करना है उसको वैल्यू एडिशन करके, ताकि उसके साथ है कि फिर लगाम हो लगाया जा सके, ज़्यादा लोग फालतू का सोना ना खरीदें फॉर की कंट्री से। इसलिए यह स्कीम वो लेके आई गई थी 1820 स्कीम। तो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट वगैरह उसको क्रिटिसाइज वगैरह लेके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो हमारे लिए राजनीति वो एग्जाम में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 1820 स्कीम किससे रिलेटेड है, तो भाई ये गोल्ड से रिलेटेड है। क्यों? क्या हमने सारी न्यूज़ वो यहाँ पे डिस्कस कर ली है। 2013 में गवर्नमेंट लेके आई थी ताकि एक्सपोर्ट पे लगाम है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, और जो इंपोर्ट हो रहा है सोने का उसके ऊपर थोड़ी बहुत लिमिट है वो लगाई जा सके। तो ये न्यूज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है द दिल्ली एंड टिम्मी समिट के बारे में। तो देखते हैं कि टिम्मी समिट के बारे में है क्या। देखो इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक साथ एक छोटी सी न्यूज़ है वो हम पूरी देख लेते हैं, तब हमें सारा सीनेरियो समझ में आएगा। बात ऐसी है कि 2017 में एक मॉस्को डिक्लेरेशन हुई थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मॉस्को है कहाँ पे? रशिया में कैपिटल है। तो मॉस्को डिक्लेरेशन हुई थी वो किस रिलेटेड, वो रिलेटेड है टीबी से। उसमें ये प्रावधान रखा गया था कि भाई 2030 तक पूरे विश्व को टीबी मुक्त वो बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि टीबी के बारे में हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि टीबी आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। और अकेले इंडिया में देखा जाए तो 27 लाख जो लोग पेशेंट हैं वो टीबी से पीड़ित हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या है कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। तो वो सारे आर्टिकल हम डिस्कस किए, तो उसमें मेनली ये प्रावधान रखा गया है
वे मॉस्को डिक्लेरेशन में कि 2030 तक हमें पूरे विश्व से टीबी है उसको जड़ से ख़त्म करना है। जिस प्रकार हमारे देश में गवर्नमेंट ने पोलियो के लिए काफ़ी अभियान चलाए थे, सेम उसी तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए बात है वो की गई थी। अब बात ऐसी है, अब चलते हैं हम कंटेक्स्ट की तरफ। कंटेक्स्ट जो हमारा क्या था, द दिल्ली एंड टीबी समिट के बारे में। तो इस समिट में हुआ था, सबसे पहली चीज़ तो कि दिल्ली में आयोजित हुआ था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री, इसके साथ ही WHO का एक साउथ रीजनल ऑफिस है, साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस, उसके द्वारा। इसके साथ ही एक स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो कि एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसकी शुरुआत है वो कि जो आयोजित है आयोजन है वो किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टीबी समिट है वो किसके द्वारा आयोजित है, वो किया गया था। अब इसमें हुआ क्या था टीबी समिट में? इस टीबी समिट में ये हुआ था कि भाई जो मॉस्को डिक्लेरेशन की जो बात कही गई थी कि 2030 तक हमें ऐसे काम करना है, तो उस कामों के लिए अभी क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, मतलब उसके लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए, तो उनका रिव्यू करने के लिए, उस प्रोसेस को एक तरीके से डिस्कस करने के लिए जो टीबी समिट है दिल्ली में वो आयोजित है वो किया गया। तो अब आपको आई होप सारा कंटेंट है वो समझ में आएगा। तो ये थी हमारी न्यूज़। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है सिटीजन सर्विस ऐप के बारे में। तो इसकी तरफ भी हम देख लेते हैं दो चार जो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे होते हैं। देखो सिटीजन सर्विसेज ऐप है वो लॉन्च किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने एक सिटीजन सर्विस ऐप है वो बनाया है। अब इस ऐप में क्या फीचर है? इस ऐप में ये फीचर होंगे कि भाई कोई भी पर्सन है वो अपनी ऑनलाइन कंप्लेन है वो दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन वो निकाल सकते हैं कि कहाँ कौन सा स्टेशन है, कितनी दूर है, क्या टाइमिंग, कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन उससे चाहिए होती है वो नंबर वगैरह कुछ, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऐप के थ्रू ले सकता है। इसके साथ ही जिसे कोई भी FIR वगैरह वो दर्ज करवाई जा सकती है, ऑनलाइन उस FIR को वापस ट्रेक कर सकता है। अगर कोई व्हीकल चोरी होता है, फिर कोई पर्सन वगैरह कोई भी चोरी होती है तो उसके बारे में भी डिटेल वगैरह, एंट्री वगैरह वो सब दर्ज वगैरह वो करवाई जा सकती हैं। तो ये एक आर्टिकल जो एक एप्लीकेशन है ये आपको ध्यान रखना कि सिटीजन सर्विसेज एप्लीकेशन है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा है वो बनाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है थिएटर ओलंपिक्स के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि 8वां थिएटर ओलंपिक्स है वो इंडिया में आयोजित है वो करवाया जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात इसके साथ ये है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया में जो थिएटर ओलंपिक्स है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, UPSC पूछ सकती है इसके बारे में। तो हमें ध्यान रखना कि भाई 8वां जो थिएटर ओलंपिक्स था जो कि आयोजित किया गया था इंडिया के अंदर। अब इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि देखो हमारे देश में जो भी प्लेज होते हैं, गेम वगैरह होते हैं, फिर जो भी ड्रामे नुक्कड़ वगैरह जो भी होता है, उन सब के बारे में क्या होगा कि एक साथ एक झलक की एक प्रस्तुति वो दी जाएगी, ताकि उसके बारे में लोगों को बताया जा सके, मेनली अवेयर है वो किया जा सके, और लोगों को जो भी अपनी कल्चर वगैरह के बारे में चीज़ें हैं उनको सारी एक्सप्लेन है वो की जा सके। ये इसका मेन मोटो है। है कौन इसके साथ में, कौन कौन कोलेबरेट कर रहा है? इसके साथ कोलेबरेट कर रहे हैं एक तो हमारे देश की कल्चर मिनिस्ट्री, इसके साथ ही डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो आपको सारे डिपार्टमेंट तो याद नहीं रखने, देखो जो भी डिपार्टमेंट जिस एरिया में परफेक्ट होता है वो उसके साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, वो अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी बेस्ट सर्विसेज दे सकती है थिएटर ओलंपिक्स में कपड़े वगैरह के लिए, तो वहाँ पर अपना योगदान दे रही है। तो ऐसे जो जो मिनिस्ट्री अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है उसके साथ यहाँ पर मिलकर आ रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो 8वां थिएटर ओलंपिक्स है इसकी थीम है वो है फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि देखो इंडिया में पहली बार थिएटर ओलंपिक्स है उनको आयोजित करवाया जा रहा है, थीम है वो है फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, आपको यहाँ पे कंटेस्ट है याद है वो रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया वो आया है RIMES के बारे में। क्या है RIMES? ये है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। कंटेक्स्ट देखो बात ऐसी है कि अभी उड़ीसा स्टेट ने इसके साथ एक्चुअली एग्रीमेंट वगैरह है, MOU वगैरह वो साइन किए हैं, एक्सरसाइज वगैरह आयोजित है वो की गई है। तो उसके बारे में कंटेक्स्ट है वो आया है। अब हम देख लेते हैं इस बॉडी के बारे में भी, इसके साथ जो कंटेक्स्ट है उसको भी पूरा ब्रीफली डिस्कस है वो कर लेते हैं। देखो इसमें होगा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट है वो इस RIMES के साथ क्या करेगी, कोलेब्रेशन करेगी। तो इससे क्या होगा कि अगर स्टेट में कभी भी डिजास्टर वगैरह आता है, देखो आपको एक चाहता हूँ जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप और यहाँ इस वाले एरिया में उड़ीसा है। अब आपको पता है कि उड़ीसा का जो मैक्सिमम एरिया है वो कोस्टल वाले एरिया में होता है, तो वहाँ पर काफ़ी वगैरह बाढ़ वगैरह आने के काफ़ी खतरे रहते हैं। तो उस कंडीशन में उसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर जो मछुआरे वगैरह मछली पकड़ने जाते हैं उनकी जान हानि है वो हो जाती है। तो उन सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, कि भाई क्यों ना RIMES जो एक इंस्टीट्यूट है, बॉडी है, इसके साथ मिलकर कोलब्रेशन किया जाए और डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके साथ निपटा जाए। तो उसके लिए इसके साथ एक डील है, वो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ है वो यहाँ पे किया गया है। इससे फायदा होगा कि जो उड़ीसा की जो
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसको काफ़ी सारी क्वालिटी है वो मिलेगी, इसके साथ ही उसको प्रेडिक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, रिस्पॉन्स वगैरह मतलब काफ़ी अच्छा उसको फ़ायदा होगा, एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा और बहुत सी चीज़ों के बारे में भी और है अवेयरनेस वगैरह वो होगी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं भाई RIMS है क्या, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। यह एक यूनाइटेड नेशन की एक रजिस्टर्ड एजेंसी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई, UN से इसका लिंक है, तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसके साथ ही इंटर गवर्नमेंट एक बॉडी है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई RIMS है वो एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रजिस्टर्ड है, तो ये दो चीज़ सबसे बड़े इफेक्ट है वो हो जाते हैं। इसके साथ ही बात यह है कि एशिया और एशिया पैसिफिक और एशिया अफ्रीका वाले क्षेत्र में 45 एक तरह से प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं जिनमें आपस में कोलैबोरेशन वगैरह वो चल रहा है, तो ये तो आप इतना याद मत करना, बस मेन चीज़ ये रखना कि इसमें कौन कौन, एक तो यह है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट सॉरी इंटर नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन के साथ ये रजिस्टर्ड है, तो ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हो जाती हैं आपको। और इसमें और क्या रखना है, एक ये ध्यान रखना कि इस बार जो आयोजित है इंडिया में ही होस्ट हुआ है वो किया जा रहा है, तो इसलिए इंडिया इसको चेयरमैन है, इंडिया इसका चेयरपर्सन है, चेयरिंग है वो इसे कर रहा है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी। होगा क्या इसमें, होगा ये कि भाई जो भी हजार्डस वगैरह से कहीं भी बाढ़ वगैरह आ जाती है, सुनामी वगैरह आती है, तो उस कंडीशन में मछुआरों को पहले ही अलर्ट कर दिया जाएगा, उनके लिए जो भी आजीविका है वो भी सिक्योर की जाएगी ताकि वो इधर उधर ना भागें, तो ये सारे काम वो किए जाएंगे RIMS में। अब देख लेते हैं हम थोड़े एक दो क्वेश्चन आज, तो एक क्वेश्चन है ये तो है मैप बेस्ड, इसका आंसर तो आपको एक्चुअली कमेंट बॉक्स में नहीं, ये आप तो खुद कीजिएगा इस आंसर को। सबसे आपको ये बताना है कि ये जो बंदरगाह हैं भारत के पोर्ट हैं आपको इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, ध्यान रखना है नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज है वो करना है। सबसे पहला ऑप्शन है वो है पारादीप, दूसरा है कांडला, तीसरा है कामार्जर, चौथा है कोचिन और पांचवा है तुतिकोरिन, तो इनको आपको नॉर्थ टू साउथ वो अरेंज करना है। देखो हमने मैपिंग काफ़ी डिस्कस किया तो इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको आंसर बता दूंगा तो आप मैप को अच्छे से नहीं देखोगे, तो बेटर ये होगा कि आप एक बार मैप को खोलो और उसको उसमें 5-4 मिनट वो खफो ताकि आपको चीज़ें समझ में वो आ जाएं। तो ये आपका क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है चंद्रयान मिशन 2 के बारे में, तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिए गए कि है चंद्रमा के लिए भारत का एक पूर्ण स्वदेशी मिशन है, तो आपको बताना कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि है चंद्रयान वन से एक अलग है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यह पहली बार चंद्रमा की धरती पर एक कृत्रिम उपग्रह है जो कि लैंडर भी लेके जाएगा और रोवर भी है वो लेके जाएगा, इसलिए यह डिफरेंट है। तो देखो पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों इसका आंसर है वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अब चलो आप एक चीज़ ये बताइए, लक्ष्य प्रोग्राम किस रिलेटेड है, क्या कोई किसानों की इनकम है उसको डबल करने से है, या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में जो एक तरीके से NPA वगैरह बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको स्टार्ट है वो किया गया है ताकि जो वुमेन है उनकी एक्चुअली हेल्दी लाइफ है उसको सिक्योर हो किया जा सके। तो बताना कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर चौथा है नन ऑफ दिस। तो देखो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर है वो है तीसरा, लक्ष्य प्रोग्राम है वो मेनली हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है ताकि जो क्वालिटी हेल्थ है वुमेन को वो प्रोवाइड है वो की जा सके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, UPSC से घुमा फिरा क्वेश्चन है वो पूछ लेती है। और एक चीज़ आप ये बताइए कि इंडियन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है NCPCR के बारे में आपको बताना है, इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में बताना है कि यह एक स्टेचुरी बॉडी है या नहीं। इसके साथ ही आपको बताना है कि इसमें चाइल्ड की एज है वो क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि UPSC कई बार ऐसे ना पूछ लेते हैं जैसे कि चाइल्ड यहाँ इसमें चाइल्ड की जो एज है वो 0 से 12 साल है वो काउंट की गई है, तो जी बिल्कुल ये गलत है, इसमें चाइल्ड की जो एज है वो है 0 से 18 साल, तो ये ध्यान रखना है इसमें 18 साल तक का जब बच्चा नहीं होता तब तक वो चाइल्ड की लिस्ट में काउंट होता है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया इनटेक के बारे में, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज जो कि एक NGO है, सोसाइटी रजिस्टर्ड 1860 के तहत काम किया है इसका। इसका काम यह है कि भाई हेरिटेज की जो भी साइट है उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना और कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश है वो करना, और उसके साथ कंजर्वेशन को भी सिक्योर है वो करना। इसके बाद हमने 80-20 स्कीम देखी, 80-20 स्कीम, इसमें यह प्रावधान है कि भाई जो भी हमारे देश में सोना इम्पोर्ट किया जा रहा है वो 80% सोना तो आप इंडिया में यूज कर सकते हो, 20% आपको वो सोना है वो आपको एक्चुअली वापस फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट है वो करना होगा उसकी वैल्यूडेशन करके, मतलब उसके कुछ गहने वगैरह बना के। इसके बाद में अगले आर्टिकल था वो था दिल्ली NTB समिट के बारे में, जिसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया कि भाई मॉस्को डिक्लेरेशन है वो 2017 में की गई थी और उसमें प्रावधान किया गया था कि 2030 तक हमें TB मुक्त पूरा विश्व है वो बनाना है।
इसके बाद हमने डिस्कस किया था सिटीजन सर्विसेज ऐप के बारे में, जो कि NCRB के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि भाई ऑनलाइन कंप्लेन हुआ, पुलिस स्टेशन वगैरह जो सारे काम हो ऑनलाइन है वो हो जाएंगे, ताकि कस्टमर का टाइम है वो बच सके। इसके बाद हमने देखा कि थिएटर ओलंपिक्स का जो 8वां एडिशन है वो इंडिया में आयोजित करवाया जा रहा है। थीम है इसकी, वो है फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप। कौन सी मिनिस्ट्री है इसमें होगा कि जो स्टेट के डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं इसके साथ जो कल्चर मिनिस्ट्री है वो इसमें सहयोग है वो करेगी। इसके बाद हमने RIMS के बारे में डिस्कस किया, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक रजिस्टर्ड एजेंसी है, इंटर गवर्नमेंटल एक बॉडी है। और इसे काम क्या है इसका, इसका काम ये है कि भाई जो भी फ्यूचर में कहीं भी बाढ़ वगैरह कुछ ऐसी आती है, कोई डिजास्टर आते हैं तो उसको कंट्रोल हो किया जा सके। और अभी इसने रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।